हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर स्टोरी राइटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टोरी राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम में, हर कक्षा में। तो यहाँ हम उसी सीरीज़ में देखेंगे अलॉइन एंड द माउस की स्टोरी, जो कि फेबल्स ऑफ एसॉप से ली गई है, यानी इस सब की दंतकथाओं से ली गई है। इसी सीरीज़ में हमने पहले भी कई स्टोरीज देख रखी हैं, तो यहाँ हम देखने वाले हैं लॉइन एंड द माउस की स्टोरी, जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लॉइन एंड अ माउस। एक टाइम की बात है, एक जंगल में लॉइन और एक माउस यानी चूहा रहता था। वन डे द लॉइन वॉज स्लीपिंग, एक दिन लॉइन सो रहा था। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, तो जो माउस है, जो चूहा है, वो लॉइन के ऊपर क्या कर रहा था, खेल रहा था। द लॉइन वॉक अप, तो लॉइन क्या होता है, जग जाता है। ही कॉट अप द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल, उसने पकड़ लिया माउस को और उसे मारने जा रहा था। जो शेर है वो चूहे को मारने जा रहा था। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस, तो जो माउस है, जो चूहा है, वो रिक्वेस्ट करता है उसे माफ़ करने का। द लॉइन लेट हिम गो, लॉइन उसे उसकी विनती पर छोड़ देता है। आफ्टर सम डेज द लॉइन कॉट इन अ नेट, कुछ दिनों के बाद जो शेर है वो बंद हो जाता है एक नेट यानी जाल में। द माउस कट द नेट विद हिज टीथ, तो वही चूहा जिसे वो छोड़ता है, एक दिन उसे दिखता है वो जाल में बंद हुआ, तो वो क्या करता है, अपने दांतों से, अपने पैनी दांतों से उस जाल को काट देता है। द लॉइन वॉज फ्री, तो जो लॉइन यानी जो शेर है वो फ्री हो जाता है। ही थैंक द माउस, और उसने थैंक्स बोला माउस को यानी चूहे को। तो मॉरल क्या मिलता है इस स्टोरी से, डू गुड हैव गुड, यदि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उसे उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा। तो इस तरह से ये थी स्टोरी। इसी तरह हम आगे सीरीज़ में और भी स्टोरी देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी क्लास से रिलेट, और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेट, कुछ भी जो नॉलेज रहेगी वो भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।